ज़मिल्मन शैतवानरजीम बसम्स अल्लाम नाजरीन न्यूज़ वन से रमज़ान ममबारक की खसूस इफ्तार नशरियात बरकत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शबीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है आज चौथा रोज़ा चार रमज़ानमबारक है और एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ सुरू से मुजैन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं इस नीयत के साथ इस ख्वाहिश के साथ इस इरादे के साथ इस तमन्ना के साथ इस आर्ज़ू के साथ इस यकीन के साथ कि आप घर बैठ कर हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ हासिल कर सकेंगे आज इब्तिदान जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है उम्रा और हज और उसमें तकवा और दिखावा माह रमज़ान मुबारक में जो उम्र करता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है उसका मफहूम है कि जिसने माह रमज़ान मुबारक में उम्र किया गोया उसने मेरे साथ हज किया और हज की अपनी तो फजीलत है ही लेकिन मैं इस बात पर गुफगू करना चाहता हूँ कि जब बंदा ये इरादा करता है कि आ, अब मुझे उम्र करना है या आज मैं उम्र पे जा रहा हूँ या अब मुझे हज करना है या आज मैं हज पे जा रहा हूँ तो हज पर और उम्र पर या इस मुबारक सफ़र पर जाने से पहले की जो तैयारियाँ हैं उसका अपना ही मज़ा है यानी जब बंदा ये इरादा कर ले कि हाँ अल्लाह ताला ने इतनी इस्तात दे दी है इतनी ताकत दे दी है इतनी रकम जमा हो गई है कि मैं सफ़री अखराज पूरे कर सकता हूँ अल्लाह के घर की घर का तवाफ़ करने के लिए जा सकता हूँ सरकार तो शहर मदीना की ज़्यारत कर सकता हूँ तो फिर उसके बाद उसके कलब में इसके दिल में एक ख़ुशी होती है एक राहत होती है चेहरे पर रौनक होती है दिन नहीं कटते कि न जाने वो दिन कब आएगा कि जब अहराम पहन कर मैं उम्र के लिए जाऊँगा या हज के लिए जाऊँगा हज की तो बहुत ही बड़ी फजीलत है इस्लाम का बुनियादी रुकन है या अरकान में से एक है जिसके पास इस्तात है उसे हज तो ज़रूर करना है उम्रा बहरहाल ज़रूरी नहीं है लेकिन सरकारी दुआ सलील वसम के मदीन मनवरा की जीत के लिए और अल्लाह के घर काबतल की ज्यारत के लिए जाना क्या ही बड़ी बात है और उम्र करने वाले के लिए हज करने वाले के लिए फिर वहाँ ज्यारतें करके वहाँ अल्लाह के हजूल सरकार के रोज़े के सामने अपने गुनाहों की तोबा करना और फिर वापस लौटना ऐसा ही है कि गोया उसकी माँ ने उसे अभी ही जना है अब सवाल यह है कि जो हमारे यहाँ हज और उम्र के तकाज़े हो गए जो हमारे यहाँ हजरे के तरीक़े हो गए जो हमारे यहाँ हजरिया एक रस्म बनता जा रहा है इन चीज़ों को कैसे दूर करें जैसे मिसाल के तौर पर हम अक्सर देखते हैं कि कोई उम्र पर जा रहा है या हज की शादत के लिए जा रहा है तो जाने से पहले एक तकरीब होती है तकरीब में महफिल नाब भी हो सकती है और सिर्फ अहले खाना जो है वो खाना वगैरह खाते हैं या खिलाते हैं उसे मेरा अपना ख्याल ये है और मैंने अपने अहले इल्म और अहले दानिश हजरात से भी इस बारे में गुफ्तू की कि दरअसल ये दावत जो है या ये जो महफ़िल शुकराना है या ये जो महफ़िल नात है ये जाने के बजाय वापस आने पर होनी चाहिए और वापस आने पर क्यों होनी चाहिए भाई अभी मेरा ये ख़्याल है कि अभी तो सदत मिली नहीं है अभी आपने नीयत तो और इरादा किया स्वाब में तो आप शामिल हो गए लेकिन जब आप सादत हासिल करके वहाँ से लौट के जब वापस आएंगे तो अब आपने तोह भी की है जियारत भी की है तवाफ़ भी किया है अरकान भी अदा किए हैं आब जमज़म भी पिया है सफा मरवा के दरमियान दौड़ भी लगाई है तो अब आप हमारे साथ बैठें हम आपकी खिदमत करें हम आपको खाना खिलाएं दोस्तों को खाना खिलाएं गरीबों को खाना खिलाएं फ़कीरों को खाना खिलाएं अहबाब को खिलाएं रिश्तेदारों को खिलाएं खुशी मनाएं इस बात पर ये तो समझ में आता है लेकिन अभी जाने से पहले जो चीज़ होती है मुजायका उसमें भी कोई नहीं है मतलब ये आप समझ लें तरीकेकार की बात करो मुजायका उसमें भी कोई नहीं है लेकिन पहले से करना इसके मुकाबले में बाद में करना ज़्यादा बेहतर नजर आता है अच्छा पहले से करने में क्या होता है कि एक रयाकारी का अंसर भी आता है हाँ भाई मैं जा रहा हूँ उम्र पर सबको पता चलना चाहिए हाँ भाई मैं जा रहा हूँ हज के लिए सबको पता चलना चाहिए अच्छा फिर सब पूछेंगे कब जा रहे हो क्या क्या लेके जा रहे हो सामान बांध दिया कि नहीं बांध दिया पहले कहाँ जाओगे नहीं मैं वापसी में तो आ, पाकिस्तान नहीं आऊँगा दुबई जाऊँगा या साउथ अफ्रीका जाऊँगा या यूके के जाऊँगा वहाँ से फिर शॉपिंग करेंगे फिर आएंगे ये सारी चीज़ें फिर हो जाती अच्छा जी अब दूसरा मामला जो उसमें होता है वो वो इस्तात रखने वाले लोग हैं जो बार बार जाते हैं अब बार बार जाना तो बहुत ही बड़ी सदत है ये तो हर किसी को मिलती नहीं है ये तो नसीब वाले को मिलती है ये शादत कि अल्लाह ताली ने उसे इतना माल दिया है कि वो बार बार उम्र पे जा सकता है बार बार हज के लिए जा सकता है लेकिन उसमें क्या हो रहा है उसमें ये हो रहा है कि बंदा जब जा रहा होता है और बार बार जा रहा होता है तो वो लोगों को बताना चाहता है कि मैं इस बार भी जा रहा हूँ मैं इस बार भी सफ़र मदीना पे जा रहा हूँ सफ़र मक् शरीफ के लिए जा रहा हूँ इस बार भी हज के लिए जा रहा हूँ इस बार भी उम्र कर रहा हूँ तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट्स में लोग होते हैं तो ना भी कोई पूछे तो वो बताते हैं भाई चार तारीख तक सारे काम कर लेना इसके बाद मेरी उम्र के लिए फ़्लाइट है अब किसी ने पूछा नहीं है बताना है हाँ भाई इस साल भी जो है ना वो सेप्टेम्बर के महीने में मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं इस साल भी हज के लिए जा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं इसमें कि जो रस्म बनती जा रही अच्छा फिर ये कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जो भी कोई उम्र या हज के लिए जाए तो उसे खलूस दिल के साथ तोहफ़ा भेजते हैं खलूस दिल के साथ लेकिन जब अगर कोई बार बार जा रहा है तो फिर बार बार उसको उम्र और हज के लिए तोहफ़ा भेजना मुमकिन नहीं होता तो इसी जो लोग बार बार जा रहे होते हैं ऐसा लगता है कि उसमें से सारे के सारे सारे के सारे जो है वो अखलास के साथ या खालिता अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस अमल को नहीं कर रहे होते ये हम बदगुमानी ज़रूर कर रहे हैं लेकिन चूंकि हम जिस स्टेज पर मौजूद हैं हमें बुराइयों खामियों और इन चीज़ों को भी जो है वो सामने रखना होता है ताकि लोग अपनी इबादत को प्योरफ़ाई कर सकें खालिज कर सकें तो अगर किसी के दिल में ये ख्याल है कि मैं बार बार जा रहा हूँ तो बार बार मेरा जाना सबको पता चलना चाहिए मैं बार बार जा रहा हूँ तो बार बार मेरा जाना मुझे बाक़ी लोगों से मुमताज़ करना चाहिए रखना चाहिए सबको कि मैं दूसरों से अलग हूँ मैं अगर बार बार जा सकता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी है तो फिर मुझे मुझे लोगों बाकी लोगों के दरमियान मुझे ज़्यादा इज़्ज़त वाला समझना चाहिए तो ऐसा नहीं है इसे इसलिए ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर किसी की उम्र सत्तर साल हो गई और अल्लाह ताला ने उसको इस्तात ही नहीं दी ताकत ही नहीं दी माल ही नहीं दिया तो क्या खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता वो अल्लाह की अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया गया है ऐसा नहीं है उस वो भी आशिक है वो भी अल्लाह का नेक बंदा है लेकिन उस वो एक इम्तिहान से गुज़र रहा है मैंने मेरा ख़्याल है दो हज़ार छः में गालिबा जैस के आसपास हज किया और जब अरफात के मैदान से हम वापस आए मुस्तलफ़ा तो मुस्तलिफ़ा में रात गुजारी हमारे साथ दो ऐसे बुज़ुर्ग थे जिनकी उम्र सत्तर अस्सी बरस थी और एक जो साहब थे बुज़ुर्ग थे उनकी तो कमर भी झुकी हुई थी बिल्कुल वो चल भी नहीं पा रहे थे और उनके साथ उनकी बेगम थी जोजा थी वो भी बूढ़ी थी उनकी कमर भी झुकी हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा आप और बाबा आप जो हैं किसके साथ आए हैं तो कहा कि हम दोनों अकेले आए और बोल भी सही नहीं सकते थे अस्सी साल की उम्र होगी तो आप समझ सकते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आपने सफ़र कैसे कर लिया तो बोला वो हमारे बच्चों ने जो है ना वो आ, कहा कि इस बस इस साल आप हज कर लें हम कई सालों से कह रहे थे तो वो हज ही नहीं कराते थे, थे अब इस उम्र में बीमार हूँ तोाना भी नहीं हों कमज़ोर हूँ ज़यीफ़ हूँ हम दोनों मियाँ भी, भी अकेले हैं हमें उन्होंने प्लेन में बिठा दिया यानी कि एयरपोर्ट छोड़ दिया हम आ गए पूछ पूछ के अब कोई ऐसा रास्ता निकालो कि मुझे वापस मिना है हम लोगों को जाना है तो हम कैसे जाएं हम तो सही चल भी नहीं सकते हमारे कोई बात भी नहीं समझ रहा तो अब आप देखें कि जिन बच्चों ने अपने वालदेन का ये फरीज़ा तो अंजाम दिया खुशी की बात है कि आप हज करा रहे हैं लेकिन इस उम्र में करा रहे हैं एक तो ये और दूसरा अकेले आपने इसको छोड़ दिया तो हज और उम्र जो है इसमें तकवा ज़रूरी है नीयत का अच्छा होना जरूरी है अखलास होना जरूरी है जो छोटी छोटी जो ख़ामियाँ और नक़ाइ हैं अल्लाह ताली हम सबको तोफी दे कि हम इसे दूर कर सकें चलें जी तो हम जाएंगे वक्फ़े पर वापस लौटेंगे तो दिटीज़न फाउंडेशन टी सी एफ़ हमारे साथ होंगे एक नेकी में मेहमान ऑनलाइन में एक मेहमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे एहतियात लाजिम हकीम शाह नज़ी आज तेज़ाबियत और मोटापापे गुफ्त करेंगे आज हमारा सेगमेंट ऐड हो रहा है बरकत जिक्र मुतफ़ा जिसमें नातिया मुकाबला होगा तीन हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे उनके दरमियान मुकाबला होगा इसके बाद बज़म इलमुकीदत में पे तबलीग दीन पर गुफू करेंगे इफ्तार मज़ेदार में हमारे इकबाल शाह मज़ेदार डिश बनाएंगे अल्लाह के वली में हज़रत मौलाए मौल हज़रत अली रज़ी अल्लाह का तस्करा होगा बज़म अफतार में होगी दुआ मुनाजा इफतार करेंगे यहीं पर सात मुलाकात होती है मुख्तर से वक्फ़े के बाद